क्रिकेट के खेल में जब जीत जुनून बन जाए तो बड़े बड़े खिलाड़ी अपना आपा खो देते हैं, और ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द रिवेंज सीरीज के चौथे एपिसोड में, जब एक यंग हरभजन सिंह जा भिड़ा उस समय के सबसे बड़े स्टार रिकी पोंटिंग से। नमस्कार, स्वागत क्रिको देख रहे हैं आप, और स्वागत है आपका द रिवेंज सीरीज में। किसी भी क्रिकेट मैच से पहले ये आलंकन होता है कि मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी है, कौन है वो खिलाड़ी जो होने वाले मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। मगर बात अगर 1998 की हो तो हर क्रिकेट फैन को मालूम था कि मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रही है तो जीत 80% उनकी ही होगी। मगर भारत के खिलाफ एक मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ, और वहां से शुरू हुई एक नई राइवलरी। किसके बीच में थी वो राइवलरी आपको बताते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दूं कीवी ऐप के बारे में। ये खास है क्योंकि अब तक ये नहीं आपके पास है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर रात 10 बजे यहीं पर हम लाइव आकर 10 सेकंड में हजार रुपए आपको जिताते हैं। तो याद से कीवी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करो। फिलहाल वापस आते हैं द रिवेंज सीरीज पर। तो बात है 1998 की, जब इंडियन टीम में कुछ ही मैच पुराने युवा हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे बैटर को वनडे मैच में आउट किया जिसके सामने बड़े बड़े गेंदबाज थर थर कांपते थे। उस बल्लेबाज का नाम था रिकी पोंटिंग। 1998 में शारजा में खेले जा रहे टूर्नामेंट में भज्जी ने पोंटिंग को 31 के स्कोर पे स्टंप किया, और खुशी का इजहार करते हुए पोंटिंग को ड्रेसिंग रूम में वापस जाने का इशारा किया। एक 18 साल के लड़के के हाथों चकमा खाने के बाद पोंटिंग को गुस्सा आया और उसने भज्जी को बीच मैदान पर गाली दे दी। भज्जी हैरान तो हुए मगर परेशान नहीं। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हार के डर से कैसे काटने को दौड़ते हैं। भज्जी और पोंटिंग के बीच यही हुई एक ऐसी राइवलरी जो अगले 10 साल तक चली। पोंटिंग ने अपने पूरे करियर में हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लिया है, मगर जब बात भज्जी की आती थी तो पोंटिंग के हाथ पांव फूल जाते थे। एक समय टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली ने यह तक कह दिया कि पोंटिंग जब इंडिया से मैच खेलते थे और इंडिया की टीम में हरभजन होते थे तो पोंटिंग ड्रेसिंग रूम से ये मानकर आते थे कि वो आउट हो जाएंगे। अंग्रेजी में एक टर्म यूज होती है बनी। इस शब्द का इस्तेमाल उस बल्लेबाज के लिए किया जाता है जो किसी एक गेंदबाज के आगे असहज रहता हो, और हरभजन के बनी थे रिकी पोंटिंग। 14 टेस्ट मैचों में हरभजन ने पोंटिंग को अपने करियर में सबसे ज्यादा 10 बार आउट किया, और वनडे में हरभजन ने पोंटिंग को 3 बार अपना शिकार बनाया, यानी टोटल 13 बार भज्जी ने पोंटिंग को कहा बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोनों की राइवलरी का सबसे खास पल रहा 2008 सिडनी टेस्ट में। टेस्ट की पहली पारी में पोंटिंग को हरभजन ने आउट किया, फिर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी आते आते क्रिकेट इतिहास का बहुत बड़ा बवाल दुनिया ने देखा जब हरभजन सिंह पर पोंटिंग एंड कंपनी ने नस्ल भेद टिप्पणी का आरोप लगाया, जिसे मीडिया ने नाम दिया मंकी गेट। यह मामला आग की तरह फैला। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया टेस्ट मैच से ही बैकआउट कर जाएगी। अंपायर भी अब हर तरह से ऑस्ट्रेलिया को ही मैच जिताने के मूड में आ गए, और इंडिया को वो मैच ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी और फर्जी आरोप लगाकर जीतने में कामयाब हुआ। मगर इसी बीच हरभजन ने पोंटिंग को दूसरी पारी में सिर्फ 1 के निजी स्कोर पर आउट कर ऐसा सेलिब्रेशन किया कि ऑस्ट्रेलिया की और सुलग गई। भज्जी पोंटिंग को आउट करने के बाद भागते हुए मैदान पर गुलाटी लगाने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई मंकी खुशी में कूदता है। इस सेलिब्रेशन को देखकर हर एक भारतीय अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और पोंटिंग का चेहरा घुटनों तक लटक गया। प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल में हरभजन सिंह यहां जीत तो गए मगर भारत वो मैच हार गया, थैंक्स टू सम पुअर अंपायरिंग एंड चीटिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मगर जो आग हरभजन ने सिडनी टेस्ट में लगाई उसी का नतीजा है कि आज भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, हर फॉर्मेट में मुंह तोड़ जवाब देना हमने सीख लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हौसलों में ऐसा छेद किया कि ऑस्ट्रेलिया अगला टेस्ट मैच हारा, और उसके बाद वनडे सीरीज भी भारत से हार गया। तो रिवेंज सीरीज में कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही में हमें सजेशन दें कि अगला रिवेंज एपिसोड हम किस पर बनाएं। तो हम आपसे कल मिलेंगे एक और ऐसे बदले की कहानी के साथ जिसने देखने वालों के खून में उबाल
ला दिया था। फिलहाल मैं निकलता हूं, और हां, जाने से पहले आपको फिर एक बार बता दूं कीवी ऐप के बारे में, जरूर रात को 10 बजे आइएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर 10 सेकंड में हजारों रुपए जीतने का आपको मौका मिलता है। कल मिलते हैं फिर से क्रिको पर रिवेंज सीरीज के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।